राजधानी दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर 12 अप्रैल को भारत विकास परिषद द्वारा छात्र संस्कार शिविर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में सदस्य यूजी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सुषमा यादव जी उपस्थित रहीं। अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष गुप्ता, वित्त सचिव एडवोकेट राकेश कुमार व वित्त सचिव अनिल शर्मा तथा कार्यक्रम में गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर आशुतोष गुप्ता अध्यक्ष भारत विकास परिषद दिल्ली प्रांत मध्य द्वारा किया गया। भारत विकास देशव्यापी गैर सरकारी संगठन है जो देश भर में सेवा और संस्कार के क्षेत्रों में 59 वर्षों से बहुव्यापी कार्य कर रहा है। शिक्षा एवं संस्कारों में परिषद की लगभग 1500 शाखाओं द्वारा प्रत्येक वर्ष अपने अपने क्षेत्रों में गुरु वंदन, छात्र अभिनंदन, राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता, भारत को जानो जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस प्रकार परिषद द्वारा हर वर्ष लाखों छात्रों को देशभक्ति और संस्कार के विषयों पर लाभ मिलता है और इसमें देश भर के शिक्षकों, शैक्षिक संस्थानों एवं बुद्धिजीवी वर्ग का पूर्ण योगदान प्राप्त होता है। इसी कड़ी में मंगलवार 12 अप्रैल 2022 को भारत विकास परिषद द्वारा छात्र संस्कार शिविर एवं शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के सम्मान हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन धन मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। दिल्ली में, नई दिल्ली के एनडीएमसी पर जो है भारत विकास परिषद द्वारा जो है दिल्ली प्रांत मध्य द्वारा शिक्षकों को जो है और कहें तो प्रधानाचार्य जी को जो है यहाँ पे सम्मानित किया गया है। हमारे साथ है सुषमा यादव जी, सदस्य यूजी सी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की। मैडम, आज जो यहाँ पर भारत विकास परिषद बनाया गया, इसका मेन उद्देश्य क्या था? ये भारत विकास परिषद का मेन उद्देश्य तो भारत को जोड़ना और भारत का विकास और भारतीयों में भारतीयता का विकास करना है। और भारत विकास परिषद परिवारों को जोड़ती है, संस्कारों को उनमें लाती है और सेवा और समर्पण इसके ध्येय वाक्य हैं। और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज ये एक संस्कार समारोह भी है और प्रधानाचार्य और शिक्षक सम्मान समारोह है। और भारत विकास परिषद का ये विश्वास है कि संस्कारों के माध्यम से भारतीयता का भाव युवा पीढ़ी में भरा जा सकता है और ये काम शिक्षक सबसे अधिक अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसलिए इन शिक्षकों को चुना गया है जो अपने अपने विद्यालयों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन प्रधानाचार्यों को चुना गया है जिन्होंने अपने आम नवाचार किए हैं या सेवा और समर्पण से कार्य किया है, तो उनको बुलाकर सम्मान देने का उद्देश्य यही है कि शिक्षा को भारत विकास परिषद कितना महत्व देती है और शिक्षा के माध्यम से भारत में जो परिवर्तन लाना चाहती है, भारत को फिर से विश्व गुरु की पदवी पर लाना चाहती है, उसके लिए शिक्षकों को इस भाव के साथ जोड़ना और उनमें संस्कृति और संस्कारों को एक बार फिर से पुनर्संचारित करना। बात करें नैतिक शिक्षा की, बात करें संस्कारों की जी, तो कहीं ना कहीं स्कूलों में भी हमने देखा है कि इंग्लिश पर ज्यादा जोर दिया जाता है। हमारी मातृभाषा हो गई, नैतिक शिक्षा हो गई, वो कहीं ना कहीं लुप्त सी हो गई है जी। बहुत वर्षों से धर्मनिरपेक्षता के आडंबर में हमने नैतिकता को खो दिया और नैतिक शिक्षा यूं समाप्त हो गई कि किसी धर्म की शिक्षा तो नहीं देंगे। तो इसलिए मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा, अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, जिसको सब नई शिक्षा नीति के नाम से जानते हैं, वह नई शिक्षा नीति एक बार फिर से नैतिक शिक्षा पर, मानवीय मूल्यों पर, संवैधानिक मूल्यों पर, संस्कृति और संस्कारों पर, भारत की धरोहर पर, उन सब का सम्मान युवा मन में भरना चाहती है। उस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि किस प्रकार से पूरी युवा पीढ़ी को, नई शिशुओं को, बच्चों को, विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को भारतीय संस्कृति से और भारतीय मूल्यों से जोड़ा जाए, और वो मूल्य सबसे ज़्यादा सेवा और समर्पण के और संस्कृति के मूल्य हैं। इसलिए उन मूल्यों को फिर से बच्चों में संचारित करना
फिर से शिक्षण के माध्यम से इस पीढ़ी में लाना, ये भारत विकास परिषद का ध्येय है। सबसे सुंदर बात जो इसकी है, ये मात्र संस्कार शिविर नहीं है, ये शिक्षक सम्मान प्रधानाचार्य सम्मान समारोह भी है और सम्मान और संस्कार को जोड़ कर देखती है, यह है भारत विकास परिषद। हम उन्हें सम्मानित करें जो बच्चों को संस्कारित करें, और जब सम्मान मिलेगा तो संस्कार और अधिक गहरे होंगे और अधिक अच्छी तरह से बच्चों तक या नई पीढ़ी तक जाएंगे। मैम, जिस तरीके से आजकल के बच्चे हैं एकदम आक्रोशित हो जाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो पहले होता था कि शिक्षक डांटता था, फटकारता था, एक दो थप्पड़ भी लगा देता था, लेकिन आजकल के शिक्षकों पर ही केस दर्ज हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि ये मेरे ख्याल एक ट्रांजिशन की अवस्था है। शिक्षकों का तो इतना सम्मान था कि वो माता पिता से ऊपर थे, और ये कहा जाता था कि अगर एक किसी ने चांटा लगाया भी है तो उससे 10 गुण और बढ़ाए होंगे, और उसका प्रेम उस बच्चे के प्रति उससे कहीं ज़्यादा होगा। वो भाव कहीं खो गया है, और वो भाव संस्कृति के और संस्कारों के कारण ही खोया है। तो जैसे जैसे हम ये संस्कार लाएंगे और बच्चों में शिक्षक के प्रति जो सम्मान होना चाहिए वो सम्मान लौटेगा, उनके माता पिता में भी सम्मान लौटेगा। वो कमर्शियल रिलेशनशिप है जहाँ आप केस कर देते हैं कि भाई तुम पढ़ाने आए हो, तुम्हें पढ़ाना था, तुमने ये अच्छा नहीं किया, तो हम कोर्ट में चले जाएंगे। पर शिक्षक शिक्षार्थी का जो भारत में संबंध है वो कभी ऐसा नहीं रहा। वो माता पिता गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु जिस देश की थाती हो, तो वहाँ गुरु के प्रति केस तो नहीं हो सकता, और ना गुरु ऐसा काम कर सकता है कि जिसके कारण केस करना पड़े। ये दोनों तरफा संबंध है। तो शिक्षक सम्मान के योग्य बना रहे और शिक्षार्थी उसके गुणों को, उसके सद्गुणों को, उसके सम्मान को समझें, तब वस्तुतः भारत जो विश्व गुरु रहा है उसी श्रेणी में फिर से खड़ा होगा। और पूरा विश्व इस समय हमारी ओर देख रहा है कि किस प्रकार से जो मूल्य लुप्त हुए हैं मानवीयता के, वो मानवीयता के मूल्य शिक्षा के माध्यम से फिर से कैसे संचालित किए जाए। जैसे कि आपने अपने वक्तव्य में बताया कि कहीं ना कहीं जो है गुरु का जो सम्मान है वो कहीं ना कहीं खो रहा है। तो एक तरफ ये भी कहा जाता था गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जिन्हें गोविंद दियो बताए, लेकिन ये जो दोहा है अब कहीं ना कहीं धुंधला पड़ा है। धुंधला इसीलिए उसको फिर से जगाना चाहते हैं, क्योंकि गुरु तो है वही जो ईश्वर के बराबर है, गोविंद के बराबर है। तो गुरुओं को अपना स्थान फिर से वही खोजना है। वह मात्र टीचर ना बन जाएं, वह मात्र शिक्षक ना बन जाएं, क्योंकि शिक्षा से बढ़कर शिक्षा, पहले एक शिक्षक होता है, वो ज्ञान ग्रहण करता है, ज्ञान को अनुभव में समारोपित करता है, अनुभव के आधार पर बच्चों को जीवन से जोड़कर सिखाता है, तब जा कर के वो गुरु बनता है। जब ज्ञान और मेधा दोनों को मिला लेता है, बुद्धि विकसित करता है बच्चे की, तब वो गुरु बनता है। तो गुरुओं को गुरु बनना होगा और बच्चों को उस गुरु की महत्ता को समझना होगा। उसमें परिवारों का योगदान है, माता पिता की भूमिका है, और साथ ही साथ पूरे समाज की भूमिका है, क्योंकि जो समाज शिक्षक का सम्मान नहीं करेगा वो समाज प्रगति के मार्ग पर सही से नहीं जा सकता। तमाम जनता को, तमाम शिक्षक प्रधानाचार्य को क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रधानाचार्यों को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो शिक्षक की भूमिका थी उस भूमिका को पहचानें और फिर से वही संस्कार अपने में समारोपित करें कि गुरु का सम्मान हो, गुरु की महत्ता रहे, और गुरु ईश्वर के समान ही बच्चे की जो विशिष्टता है उसको गढ़ सके, उसको पहचान सके, और उसके आधार पर उस बच्चे का विकास कर सके। और पूरे समाज को ये संदेश देना चाहूँगी कि वो शिक्षकों का वही सम्मान लौटाएँ, क्योंकि वहीं से संस्कार लौटेंगे, वहीं से संस्कृति लौटेगी, और वहीं से सभ्यता की महानता होगी। बहुत अच्छी जानकारी का साझा कर मान्य आपके द्वारा।